नायब सिंह सैनी को जान से मारने की धमकी दी गई है। जिंद में मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री को गोली से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, इसको बोलकर दिया गया है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी तो सीएम को गोली मारूंगा। विनेश फोगाट के पति सोमवीर रांची के ग्रुप में ये धमकी दी गई है। जिस तरह गांधी ने गोडसे को मारा उसी तरह मारूंगा। पुलिस ने धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हल्का जुलाना ग्रुप में ये धमकी दी गई। धमकी देने वाले युवक का नाम अजमेर सिंह है। बड़ी खबर आपको जिंद से बता रहे हैं, जहां कार्यवाहक सीएम सैनी को जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि पुलिस ने धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का नाम अजमेर सिंह बताया गया है। ये 8 तारीख को जो मतगणना का दिन था जी, उस दिन एक व्यक्ति है जिसका नाम अजमेर है, उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो कि सोमवीर राठी, उस पर लिखा हुआ था कि सोमवीर राठी हल्का जुलाना ग्रुप लिखा हुआ था जी, उस ग्रुप में कोई टिप्पणी की थी जो कि काफ़ी संगीन मामला था, जिसमें जैसे ही ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया उसमें पुलिस ने एक FIR दर्ज की। FIR दर्ज करके जो व्यक्ति है देवरण गांव का अजमेर नाम से व्यक्ति है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो रेलिवेंट एविडेंसेस हैं उनको फाइल पे ले जा चुका है। सर सोमवीर राठी से कोई संबंध था सर उसका जी? मैं अभी उस चीज़ के बहुत ज़्यादा कहने में सक्षम नहीं रहूँगा। फिलहाल तो ये है कि उसने उस ग्रुप में कमेंट किया था और कमेंट करने के बाद जो ये सारा मामला जब पुलिस के नॉलेज में आया तो वी हैव टेकन नोट ऑफ दैट, उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। सर और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, क्या जानकारी है, क्यों धमकी दी गई है कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी को? कौन है वो युवक जो जान से मारने की धमकी दिया है, इस बारे में जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए जो मामला है जींद जिले के दुलाना हलके का है, जहां से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही थी विनेश भट्ट, कांग्रेस की विधायक बनी है वहां से, और उनके पति है सोमवीर राठी। उन्होंने ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बताया जा रहा है, सोमवीर राठी हल्का दुलाना। उसी ग्रुप में एक देवरण गाँव है दुलाना कस्बे का ही, वहां का रहने वाला एक युवक अजमेर सिंह, उन्होंने धमकी दी है कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी को कि अगर किसी बार बीजेपी की सरकार बनती है तो जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको मैं गोली मार दूंगा। हालांकि बताया जा रहा है कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और किसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। विजेंद्र, इसको राजनीतिक नजर से कैसे देखेंगे, क्योंकि आप बता रहे सोमवीर के ग्रुप से किसी आदमी ने, अजमेर सिंह नाम के युवक ने धमकी दी है और ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ठीक है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसको राजनीतिक परिदृश्य से कैसे देखेंगे? बिल्कुल, देखिए इस प्रकार लगातार जो विनेश फोगाट है बीजेपी नेता पर हमलावर रहती है और उनके ग्रुप से इस तरह की जो धमकी दी गई है, तो निश्चित तौर पर इसीलिए पुलिस ने संज्ञान लिया। गंभीर मामला देखते हुए पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे कौन है, इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है या किसी और वजह से किया है, क्या कारण है धमकी देने के, ये पुलिस जो है अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या इसके राजनीतिक मायने हैं या व्यक्तिगत तौर पर इस युवक ने धमकी दी है, ये जांच का विषय है। विजेंद्र, एक और सवाल आपसे कि इस मामले पर बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अगर सामने आई हो तो? देखिए अभी तक हरियाणा के किसी ने इस बारे में प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और मामले की जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जांच सामने आती है पुलिस भी पूरे मामले का खुलासा करेगी। फिलहाल आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया विजेंद्र तमाम जानकारी के लिए।